ज्योतिष शास्त्र में जो 12 राशियां हैं, प्रत्येक राशि 30 डिग्री की है, 30 अंश की है। ये जो आर्बिट है पूरा 360 डिग्री का, इसमें 12 भागों में जो बांटा है, तो 12 से अगर 360 का को भाग दिया जाए तो 30 आता है, एक राशि 30 अंश की हो जाती है। अब ये खगोलीय स्थिति है, इसमें जो जिस राशि में जो भी ग्रह गोचर करते हैं, भ्रमण करते हैं, उसमें जब वो राशि में प्रवेश करता है तब वो ज्योतिष की गणना के अनुसार 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे डिग्री, एक एक डिग्री आगे बढ़ते 29 डिग्री, उसके बाद में आगे की राशि में प्रवेश करता है। ग्रहों की गति जैसे सूर्य संचालित करता है, सूर्य से 120 अंश कोई भी ग्रह जब दूर हो जाता है तो वक्री हो जाता है, और जैसे वो नजदीक आता है तो मार्गी हो जाता है। अब सवाल यह है कि जब ग्रह किसी राशि में आता है उसको पूरी राशि को का भ्रमण करने के लिए 30 अंश का अंश भ्रमण करना पड़ता है। अब हर ग्रह की गति अलग अलग है, सबसे शीघ्र गति ग्रह अपना चंद्रमा है, उसके बाद बुध है, शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, और राहु शनि गुरु केतु, इनकी थोड़ी गति धीमी गति है, हर्षल नेपच्यून प्लूटो की भी धीमी गति है। सवाल यह है कि जब कोई ग्रह किसी राशि में 10 अंश तक रहता है तो उसको ये लोग बाल अवस्था में कहते हैं, फिर 10 से 20 अंश तक तो युवा अवस्था में कहते हैं, और 20 के बाद वृद्धावस्था। अब एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है कि हम खगोल में जो ग्रह हैं उनके कारकत्व को जानकर पढ़कर जो हमारे ऋषि मुनियों ने अंतर्ज्ञान से ज्ञात किया था उसके अनुसार हम फलादेश करते हैं व्यक्ति का, तो ये जो ग्रह जो हैं ये ग्रह पिंड हैं, कोई व्यक्ति तो है ही नहीं कि वो 10 डिग्री तक रहेगा तो रेंगेगा, फिर दौड़ेगा, फिर बूढ़ा हो जाएगा, तो उसमें ये इस तरह के अवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग ज्योतिषियों ने नहीं करना चाहिए। और इसीलिए बार बार मेरा ये कहना होता है कि ज्योतिष विज्ञान है तो उसकी वैज्ञानिक आधार की स्थापना के लिए ही ज्योतिष के विद्यार्थियों ने प्रयास करना चाहिए। इस तरह के भ्रम फैला के कि वो 10 डिग्री बालावस्था में होता है, फिर वो रेंगता है बच्चे जैसा, कैसे, मतलब ये कैसे एक अव्यवहारिक बातें, अवैज्ञानिक बातें करना ठीक नहीं है ज्योतिष शास्त्र के लिए। ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं हम, तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, और वैज्ञानिक जो तथ्य है उसके अनुसार, वैज्ञानिक आधार के अनुसार कैसे कोई ग्रह बूढ़ा, जवान और बच्चा हो सकता है, वो ग्रह पिंड है। जैसे वो दृष्टि योग जो कहा गया है ग्रहों का, तो दृष्टि यानी वो योग है, आस्पेक्ट उसको बोलते हैं। दृष्टि यानी कोई देखता नहीं है, वो कोई मनुष्य नहीं है वहां पर कि वो चश्मा लगा के देख रहा है किसी राशि को या किसी दूसरे ग्रह को। ये हमारे ऋषि मुनियों ने हमको जो ज्ञान दिया है उनके अंतर्ज्ञान से जो उन्होंने प्राप्त किया है, इतनी अच्छी धरोहर हमें मिली है, उसको हम अवैज्ञानिक तरीके तरफ ले जाकर क्यों भ्रम की स्थिति निर्मित कर रहे हैं लोगों की। तो ये सब चीजें, जो बुनियादी जो बातें हैं, जो विद्यार्थी है ज्योतिष का जो पढ़ता है उसको इन चीजों को समझना चाहिए। जैसे अभी कल ही मैंने जो बोला था अस्त, ग्रह का अस्त होना, ग्रह का अस्त होना यानी आपके स्थिति से वो नहीं दिख रहा है। जैसे पश्चिम में जब सूर्य अस्त हो जाता है तो जितना पश्चिम के जो लोग हैं जिनका, जिनको इस स्थिति से नहीं, लेकिन कहीं तो उसका उदय हो ही रहा है ना, उसका अस्तित्व तो थोड़ी खत्म हो जाता है, लेकिन वो बुरे उससे पत्रिका में भी लिखा जाता अस्त हो गया, मतलब इन्होंने अस्तित्व ही खत्म कर दिया उसका। तो इस तरह अवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग ज्योतिष में नहीं करना चाहिए। और कोई भी ग्रह जो है, अब जैसे ये जो बोलते हैं बालावस्था में, एक छोटा सा ज्योतिष शास्त्र के जो विद्यार्थी उनको समझ में आ जाएगा, कर्क राशि में अगर 3 डिग्री 20 कला के अंदर अगर गुरु हो, स्थित हो, तो वो पुनर्वसु नक्षत्र का होगा और नवमांश में वो कर्क नवमांश का ही रहेगा, यानी वर्गोत्तम हो जाएगा। कितनी बड़ी उसमें पावर होगी, कितना वो सशक्त हो जाएगा वहां पर, अब उसको बालावस्था में कहेंगे अपन। ऐसे अलग अलग जो स्थिति है उसकी, जो नक्षत्र की गणना, उसकी नवमांश की गणना, उसमें बनने वाले योगिक गणना करना चाहिए, न कि ये जितने डिग्री का तो इसलिए ऐसा हो गया,
बालावस्था में हो गया, 63 डिग्री का हो गया, तो इन चीजों से ज्योतिषियों को बचना चाहिए और उनकी खुद की मानसिकता होना चाहिए कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं। अब प्राय क्या होता है, कर्मकांड जो करने वाले जो पंडित हैं वो ज्योतिष का अध्ययन करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, बिल्कुल करना चाहिए। वो ज्योतिष शास्त्र किसी की बपोती नहीं है कि इसने नहीं करना चाहिए उसने नहीं करना चाहिए, लेकिन वो एक अलग अलग उनको धारणा बनाना चाहिए कि भाई अपने कर्मकांड कर रहे हैं तो अपन जो भी पूजा पाठ करवा रहे उसके लिए ये मंत्र है, ये मंत्र है। लेकिन ज्योतिष की गणना के अनुसार जब करते हैं, ज्योतिष की गणना करते हैं, तब वैज्ञानिक आधार को मैंने बनाना चाहिए, अपनी मानसिकता बनाना चाहिए। तो ये जो है इस तरह के ये वैज्ञानिक आधार से ही उसका ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए।